प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक करने में जुट गई है, फिर चाहे योजनाओं की सौगात हो या फिर किसान आंदोलन, सब कुछ ठीक ठाक करना चाहती है। चुनाव से पहले बीजेपी खींचा खाट चबूतरों पर छोटी छोटी चौपा, किसान आंदोलन को करेगी काउंटर। विपक्ष बता रहा बहकावे का फैक्टर। ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए, किसानों को समाप्त करने की आपकी साजिश है। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही केंद्र सरकार लगातार अनदेखा कर रही, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उसके राजनीतिक प्रभाव का आकलन भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले दो चुनाव पर आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशवरा किया और फिर निपटने के लिए रणनीति बनाई, जिसके मुताबिक बीजेपी जो किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो दर्जनों प्रकार के कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, उसकी सही जानकारी देने के लिए तथा किसानों के समस्याओं को और समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए, जो गन्ना बहुल विधानसभा है उत्तर प्रदेश में 104, ये 104 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता जाएंगे और एक एक विधानसभा में वो दिन भर रहेंगे और गाँव में संपर्क करके किसानों से संवाद करेंगे और संवाद करके उनकी वास्तविक समस्या क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से जरा सा भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी चाल बताते हुए कहता है कि किसान और आम जनता अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। प्रदेश में चुनाव आ गया तो बीजेपी किसान सम्मान समारोह करने जा रही है, और कौन बीजेपी जिसने देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, बवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, आज जब उनको सम्मान करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया कि किसान नेता के बाल पकड़ करके खींचे जा रहे हैं और टोपी जमीन पर गिर रही है। तो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वही है। आप एक तुगलकी फरमान लेकर के आ गए, तीन आपने बिल प्रस्तुत कर दिए, किसानों को समाप्त करने की आपकी साजिश है। ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए, जो 16 तारीख का कार्यक्रम है इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। किसान अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी हो ही नहीं सकती। बहरहाल चुनाव से पहले बीजेपी सब कुछ ठीक और अपने पक्ष में करना चाहती है, तो सपा, कांग्रेस और बसपा सरकार की नाकामियों को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुँचाना चाहती है। अब देखना यह है कि जनता क्या चाहती है। रिपोर्ट, भारत समाचार।